हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बर्नाली और आज हम लोग सीखेंगे कैसे क्रॉचेट बॉल्स बनता है। ये छोटा छोटा बॉल्स बना के आप नेकलेस बना सकते हैं, बहुत काम में आता है। तो ये बॉल्स कैसे बनता है ये आज हम लोग सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले एक मैजिक नॉट बनाइए। मैजिक नॉट ऐसे बना के इसमें 5 चेन बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसका जो टेल है वो टेल को खींच के इसको क्लोज कर दीजिए, टेल को ऐसे खींच के। फिर जो फर्स्ट स्टिच था उसके साथ स्लिप नॉट से इसको जॉइन करके एक सॉरी सर्कल बनाइए। ये सर्कल बनाने के बाद चेन 1। फिर नेक्स्ट जो स्टिच है, अभी मेरे पास 5 स्टिचेस हैं। फिर फर्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर सेकंड में 2 सिंगल क्रोशे, 5 में अरेक में हम 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर थर्ड में 2 सिंगल क्रोशे, फोर्थ में भी 2 सिंगल क्रोशे, और जो फिफ्थ है उसमें 2 सिंगल क्रोशे। तो हुआ 5 × 2, 10 स्टिचेस आर देयर। अभी 10 स्टिच इसमें है। अभी ये 10 स्टिच का हर एक स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 सिंगल क्रोशे हुआ। 20 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इधर एक आप स्टिच मार्कर दे सकते हैं, और ये जो टेल था टेल को सामने ऐसे दे के इसको ऐसे रख सकते हैं। ये स्टिच मार्कर का काम करेगा, कितना लाइन आप बुनेंगे इसमें पता चलेगा। तो अभी हर एक घर में 20 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, 19 और 20, 20 स्टिचेस। इधर से स्टार्ट किया था, ये स्टिच मार करके काम कर रहा है, इधर से स्टार्ट किया था इधर तक आ गया। अभी ऐसे करके आप 4 राउंड 4 लाइन बुनिए। ये एक लाइन हुआ,
ऐसे करके फोर राउंड बुनने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। फोर लाइन बनाने के बाद ये फोर लाइन बन गया है, 1 2 3 4। फोर लाइन बनाने के बाद ये ऐसे कटोरी जैसा दिखेगा, एक बोल जैसा शेप आएगा। अभी इसमें क्या करना है, अभी इसमें दो सिंगल क्रोशे और एक घर घटेगा, ऐसे करके एक दो एक साथ लेकर तीन स्टिचेस हुक पे, फिर सबको एक साथ बंद करो तो एक घर कम हो गया। फिर एक दो दो सिंगल क्रोशे, फिर एक घर घटेगा, नेक्स्ट दो सिंगल क्रोशे, फिर एक घर कम करो, ऐसे करके पूरा लाइन बनाना है। एक दो फिर बंद किया, फिर एक दो, ये लाइन इधर तक आ गया। अभी इसमें क्या करेंगे, एक चेन बुनेंगे, दो घटाएंगे ऐसे करके, दो एक साथ करके कम किया घरों को, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर दो घर को घटाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर ये टू सिंगल क्रोशे टुगेदर, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर टू सिंगल क्रोशे टुगेदर, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर टू सिंगल क्रोशे टुगेदर। तो इसका शेप ऐसे आ रहा है। अभी इसका जो अंदर में ये जो निकाल के रखे थे, इसको अंदर से खींच के अंदर घुसा देंगे, नहीं तो ये दिखेगा। इसको ऐसे करके अंदर में घुसा देंगे, फिर थोड़ा सा कॉटन लेंगे, ये कॉटन है सिंथेटिक कॉटन, थोड़ा सा कॉटन लेके इसमें पुश करेंगे, ऐसे करके ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये कॉटन ऐसे घुसाएंगे, घुसाने के बाद ये स्टिचेस ऊपर आएगा, कॉटन अंदर ऐसा दिखेगा सामने से ऐसा, फिर हर एक घर में एक घर घटेगा, ऐसे करके एक घर कम हो गया, फिर दूसरा, ऐसे करके पूरा इसको क्लोज करेंगे। ये जो बॉल बना रहे हैं इससे बहुत अच्छा नेकलेस बनता है, बहुत सुंदर दिखता है वो नेकलेस। बस हो गया।
ये बॉल बनके तैयार है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।